अपने साथ ही जुड़ा है हिमांशु, है हमारे साथ करनाल से। हिमांशु, आप बताइए करनाल में इस वक्त कौन कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन सा उम्मीदवार आगे चल रहा है? बिल्कुल, अगर बात करें करनाल की तो 5 अलग अलग विधानसभा सीटें हैं जिसमें करनाल है, असंध है, नीलोखेड़ी है, इंद्री है और घरुंडा है। अगर करनाल की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस की उम्मीदवार सुनीता सिंह आगे चल रही है, बीजेपी के उम्मीदवार जगमोहन आनंद पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस के लिए ये एक अच्छी खबर सामने निकल कर आई है। असंध की बात करें तो असंध में कांग्रेस के उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी आगे चल रहे हैं जो विधायक भी रहे हैं और बीजेपी के उम्मीदवार योगेंद्र राणा पीछे चल रहे हैं। अगर असंध की बात करें तो वहां पर चुकोनिया मुकाबला है, कांग्रेस बीजेपी बसपा इनेलो और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच वहां पर मुकाबला है और कांटे की टक्कर है। करनाल जिले की ये एक महत्वपूर्ण सीट है जहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और कई उम्मीदवारों के बीच आप कह सकते हैं बेहद कम जीत का अंतर भी रह सकता है। घरुंडा से बताया जा रहा है हरविंदर कल्याण जो 2 बार के विधायक है वो आगे चल रहे हैं और वीरेंद्र राठौर जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर चौथे विधानसभा क्षेत्र की बात करें इंद्री की तो वहां से राकेश कंबोज पीछे जो आगे चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और रामकुमार कश्यप बीजेपी से वो पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा नीलोखेड़ी भी जहां पर कांटे की टक्कर है वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार भगवान दास कबीरपंथी आगे चल रहे हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार जो है धर्मपाल गोंदर वो जो है वहां पर कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे आए लेकिन कांटे की टक्कर है कई जगह पर। लेकिन जो शुरुआती रुझान है वहां पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर नहीं आ रही है, वहां पर कांग्रेस की बढ़त देखने को मिल रही है। करीब 60 से 61 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपनी बढ़त बनाई हुई है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो 17 से 18 सीटों पर बढ़त बनाते हुए आगे चलती हुई नजर आ रही है। जी हिमांशु, खास करके अभी तक शुरुआती जो रुझान दिख रहे हैं वो 55 सीटों पर कांग्रेस और उसके साथी दल हरियाणा में आगे दिख रहे हैं, शुरुआती रुझान है अभी तक। लेकिन फिर भी नायब सिंह सैनी हैं जो कार्यवाहक सीएम है अभी हरियाणा के, वो बता रहे हैं कि दोपहर में चित्र स्पष्ट होगा, दोपहर में बीजेपी आगे जाएगी। क्या ऐसा लग रहा है इस वक्त जो शुरुआती रुझान दिख रहे हैं उसके देखते हुए? देखिए, शुरुआती रुझानों की बात करें तो उसमें ये कहीं भी नहीं लग रहा है कि बीजेपी आगे है या आने वाले समय में आगे हो जाएगी, क्योंकि 55 से 57 सीटें 60 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। हालांकि तस्वीर स्पष्ट होने में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, ये कह सकते हैं 11 बजे तक एक जो तस्वीर है वो क्लियर हो जाएगी कि कहां पर बीजेपी आगे है स्पष्ट तौर पर और कहां पर कांग्रेस आगे है। लेकिन ऊपर नीचे का जो फेरबदल है वो भी देखने को मिल सकता है कुछ सीटों पर, जहां पर बताया जा रहा है कि करीब 19 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे की टक्कर है और उस कांटे की टक्कर में कौन सी पार्टी आगे निकलती है, कैसे आगे निकलती है, कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी आगे रहती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कांटे का मुकाबला है और उसमें कांग्रेस को काफी एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी जी हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहे।